नमस्कार, मेरा नाम धीरज है। नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। हमारे 1.5 महीने की बच्ची है। जब ये बच्ची हुई थी तो इसको ये काफ़ी दूर पलटती और दिन में एक बार नाक में से होके ये दूर पलटती थी और उसके बाद काफ़ी बेचैन हो जाती थी। हमारे मित्र ने अतुल कुमार सूद सर का सजेस्ट किया और हमने अतुल कुमार सूद सर को दिखाया तो अतुल कुमार सूद सर ने इसकी अल्ट्रासाउंड की और उसमें अल्ट्रासाउंड में हमको इसका ड्यूडिनम बिहेवियर ड्यूडिनम एट्रिसिया जैसा कुछ उसका तो उन्होंने एंडोस्कोपी सजेस्ट की। तो एंडोस्कोपी जब उन्होंने फर्जर की तो उसमें ये पता लगा कि इसकी छोटी आंत में सिकुड़न थी जिसको उन्होंने वर्न बैंडेज समय के थ्रू जो है ठीक कर दिया और अब ये बच्ची जो है दूध नहीं पलटती है बिल्कुल और बच्ची में ग्रोथ नहीं हो रहा है। पहले से वेट भी नहीं बढ़ रहा था जो रिकवरी कर रही है। इस सब के लिए थैंक यू फॉर सर्वोदय हॉस्पिटल एंड थैंक यू प्रोटोकॉल्स। हमारे पास एक बच्चा है, 1 महीने का बच्चा आया जिसका उल्टियाँ, दूध ना पीपाना और वज़न कम होने से वो हमारे पास आया था। वो काफ़ी जगह इधर उधर घूमने के बाद यहाँ पहुँचा। हमने उनका एंडोस्कोपी किया और दवाई पिलाकर एक्सरे किया और जाना कि उसको एक ड्यूडनल वेब ये होता है कि जो पेट से आंत तक जाने वाली रास्ता है वो छोटा हो जाता है और इसका जब बच्चे का हमने एंडोस्कोपी किया तो इसका कील की नोक जितना ही रास्ता बचा हुआ था इसलिए वो कुछ भी पचा नहीं पा रहा था। हमने एंडोस्कोपी करके इसको बलून से हर 2 हफ्ते पे डायलेट किया और रास्ता अभी 15 मिलीमीटर तक रास्ता खुल गया है। अब वो बच्चा हर कुछ दूध और पानी सब कुछ टॉलरेट करता है और उसका लास्ट 6 हफ्ते में 1.5 किलो वज़न भी बढ़ गया है जो कि पिछले 1 महीने में पहले शुरुआत में 1.25 किलो उसका कम हो गया था और हम इस बच्चे को लास्ट 1.5 महीने से देख रहे हैं और बच्चा अब काफ़ी स्वस्थ है और अपना दूध और पानी वगैरह सब कुछ पी ले रहा है और उसका वज़न भी बढ़ गया है।